नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शर्मा, मैं आपका एसडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मराठा साम्राज्य। दोस्तों, मराठा साम्राज्य अपने आप में एक बहुत पावरफुल साम्राज्य रह चुका। मराठा अपन शिवाजी के कारण से जानने लगे और एंड में वो कन्वर्ट हो गए किसमें, पेशवा में। ठीक है, अपन पढ़ते हैं आज शिवाजी, यानी मराठा साम्राज्य का उदय कहाँ से हुआ और कैसे होता चला। दोस्तों, शिवाजी के जो पिताजी का नाम था वो था शाहजी और जो उनकी माताजी का नाम था वो था जीजाबाई। जीजाबाई शिवाजी की माताजी, इनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था शिवाजी। शिवाजी की दो संतानें थी, शिवाजी की दो संतानें थी यानी दो पुत्र प्राप्त हुए थे, एक का नाम राजा राम, दूसरे का संभाजी। और संभाजी के एक पुत्र था जिसका नाम था साहू जी। क्या नाम था? साहू जी। और इनके जो नाम था शिवाजी और राजा। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, शिवाजी की मृत्यु 1680 में होने के बाद इनका बड़ा पुत्र संभाजी शासन गद्दी पर बैठे, यानी मराठा साम्राज्य उन्होंने संभाला। संभाजी 1680 से लेकर 89 तक राजगद्दी पर बैठे। इनको औरंगजेब ने कैद कर लिया था, इस कारण से इनका छोटा पुत्र जो था वो था राजा राम। शिवाजी का छोटा पुत्र कौन? राजा राम। अपनी शासन गद्दी संभाली, वो रहे 89 से लेकर 17 तक। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। इसके बाद उनका बड़ा बेटा संभाजी गद्दी पर बैठे, लेकिन औरंगजेब की कैद में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद इनका शिवाजी का जो छोटा पुत्र था राजा राम, उसने संभाला। राजा राम 1689 से लेकर 1700 तक अपनी राजगद्दी संभाली। उनके एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था शिवाजी सेकंड। देखो दोस्तों, 1700 में राजा राम की मृत्यु होने के बाद इनका जो पुत्र था शिवाजी, इन्होंने राजगद्दी संभाली, लेकिन इनकी उम्र यानी आयु में छोटे होने के कारण इनका साथ दिया था इनकी माता ताराबाई ने। ताराबाई ने शिवाजी का साथ देकर राजगद्दी संभाली। और इधर क्या हुआ था, जो साहू जी थे, अपन को पता है कि 1707 के अंदर औरंगजेब मर गया। तो औरंगजेब का जो बेटा था बहादुर शाह जफर, ने साहू जी को अपनी कैद से रिहा कर दिया था। इधर 1707 में औरंगजेब मर गया, ये जेल से रिहा होकर यानी साहू जी जेल से बाहर आ गए। इधर ये जेल से बाहर आ गए, इधर ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी का साथ देते हुए राजगद्दी संभाल रखी। जब साहू जी ताराबाई के पास गए थे कि मैं भी साम्राज्य का वंश हूँ, मुझे भी साम्राज्य में से कुछ पार्ट चाहिए, तो ताराबाई ने इनकार कर दिया कि हम आपको मराठा साम्राज्य में से कुछ भी नहीं देंगे। इसी बात पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, ताराबाई और साहू जी के बीच, जिसे कहा जाता है खेड़ा का युद्ध। इस युद्ध में जो साथ दिया था वो गया था बालाजी विश्वनाथ। साहू जी ने जब खेड़ा का युद्ध करा था किससे? ताराबाई से। तो इनका साथ दिया था किसने? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जब इनके साथ दिया तो इनको साम्राज्य में, यानी कि साहू जी ने अपना जो साम्राज्य था वो किसकी मदद से प्राप्त किया? बालाजी विश्वनाथ। इसलिए बालाजी विश्वनाथ को एक उपाधि दी गई जो का पेशवा, यानी कि पीएम। पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर की उपाधि दी गई थी पेशवा। तब से लेकर आज तक मराठा साम्राज्य में केवल पेशवा के नाम से ही जाना जाता। इस पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी महिला थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण किया, यानी युद्ध में भाग लिया मराठा साम्राज्य में? तो ताराबाई, क्योंकि ताराबाई जब राजगद्दी संभाल रही थी अपने पुत्र के साथ तो 1707 तक थी और औरंगजेब तब तक जिंदा था। तो औरंगजेब ने कई बार मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करे और ताराबाई ने उसका सामना किया। ठीक है, औरंगजेब के मर जाने के बाद साहू जी रिहा हुए थे और फिर बालाजी विश्वनाथ की मदद से उन्हें साम्राज्य वापस मिला। बालाजी विश्वनाथ जो थे उनका एक पुत्र था बाजीराव, जिसे अपन बालाजी बाजीराव या मस्तीराव, बालाजी मस्तानी के रूप में जानते हैं। ये वही थे। या देखो, यहाँ पर साहू जी 49 तक जिंदा है, लेकिन देखो राजगद्दी पे कौन बैठ चुका है? 13 के अंदर विश्वनाथ, क्योंकि विश्वनाथ की मदद से ही तो साम्राज्य मिला था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था बाजीराव, इसको अपन जानते हैं बाजीराव मस्तानी। ये बाजीराव मस्तानी ने 41 युद्ध लड़े। कितने? 41। और एक भी युद्ध नहीं हारा।
जितने भी युद्ध बाजीराव ने लड़े वो सारे इन्होंने जीते। इसीलिए इनके लिए कहा गया था कि अगर आप चाहो तो अटक से लेके कटक तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते। क्या कहा था? इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक बहादुर पिता की बहादुर संतान हो। आप चाहो तो अटक से लेके कटक तक अपने राज्य का विस्तार कर सकते हो। लेकिन हर कामयाब मर्द के पीछे एक स्त्री होती है, तो बर्बाद के पीछे भी एक स्त्री होती है। बाजीराव को जब मस्तानी से प्यार हुआ तो उन्होंने साम्राज्य छोड़ दिया, युद्ध करना छोड़ दिया और उन्होंने अपनी मस्तानी के लिए एक महल बनवाया जिसे कहा जाता है शनि महल। वो शनि महल में ही रहा करते थे अपनी मस्तानी के साथ, उन्हें अपने राजपाट से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वो उनके बाद रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव उनके दो पुत्र थे। इसमें से बालाजी बाजीराव ने अपनी गद्दी संभाली। देखिए बाजीराव 40 तक रहे, 40 के बाद गद्दी किसने संभाली? बालाजी बाजीराव। इनके तीन पुत्र थे विश्वास माधवराव, नारायण राव और उनका एक पुत्र था माधव। ये दोनों तो युद्ध में मारे गए। इसके बाद गद्दी पे बैठा कौन? नारायण राव। तो नारायण राव जो थे वो रघुनाथ जो थे नारायण राव में क्या लगते थे? चाचा। क्या लगते थे? चाचा भाई, दिवाना सेम है ना, इनका बेटा, इसका क्या लगा? चाचा। तो नारायण राव जो थे वो जब सिंहासन पे बैठे तो रघुनाथ राव ने उनकी हत्या करा दी एक षड्यंत्र रच, क्योंकि चाचा राजगद्दी पर नहीं बैठे और बैठा कौन? नारायण राव। इसलिए उन्होंने इसकी हत्या करा दी। आगे चलकर इनकी जो पत्नी थी वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए वहां के 12 भाइयों ने मिलकर एक परिषद की घटना की जिसे कहा जाता 12 भाई परिषद। 12 भाई परिषद चला जिन्होंने रघुनाथ राव के साथ संघर्ष किया और मराठा को एक नया पेशवा मिला, ऐसे पीएम बना यानी पेशवा। एक बार फिर से देखते हैं, अपन ने एक बार दोस्तों देखा है, ये अपन डिटेल नहीं पढ़ रहे, ये ओवरव्यू है कि भाई शिवाजी के माता पिता का क्या नाम था। फिर शिवाजी आए, शिवाजी के दो पुत्र थे, ये पुत्र हुए, शाहू जी का साथ दिया बालाजी विश्वनाथ ने, यहाँ से पेशवा स्टार्ट हुए, इनका पुत्र ये, इनके पुत्र ये, इनके। अपन अगले वीडियो में इन सब की डिटेल पढ़ेंगे। आज अपन ने एक ओवरव्यू लिया कि मराठा साम्राज्य में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।